ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? जी दानियाल साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम श्योर कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। ओके जी, तो पाकिस्तान अफेयर्स में हमारे पास जो डायमेंशंस हैं जिन चीज़ों को हम कवर करेंगे, हमारे पास जो सिलेबस की ब्रेकडाउन है, जो सेक्शन हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, इसमें दो सेक्शन हमारे पास मजीद होते हैं, एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन का जो सेक्शन है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है। जो पास्ट पेपर्स को अगर हम उठा के देखते हैं तो पास्ट पेपर में हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यहाँ से आए। ये पेपर के एनालिसिस को आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा कि 2015 में हमारे पास जो है वो हमने देखा के 3 4 क्वेश्चंस आए यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस में से। इसी से 2016 में भी पेपर में 4 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, और मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ डोमेन में यहाँ से आते रहे। अब ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बेहद जरूरी हैं समझना, डिस्कस करना, लेकिन हम जो है जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली ये तमाम की तमाम चीजें हम कवर करते चले जाएंगे। हमारा सेशन जो है एक स्टोरी के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, जिसमें ना सिर्फ हम चीजों को समझेंगे, डिस्कस करेंगे, बल्कि हमें समझ में आ जाएगा कि जिस लैंड में हम बैठे हैं, द लैंड दैट इज पाकिस्तान, असल कहानी है क्या। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी कहते किसे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं अचानक से कुछ लोगों ने उठ के डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई हमें जो है तुम लोगों से अलग रहना है, आज़ादी हासिल करनी है। ये आज़ादी का नज़रिया आया तो आया कहाँ से? ये आज़ादी होती क्या? और सबसे पहले ये पाकिस्तान के लफ्ज से भी पहले ये आइडियोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, कई सालों से रहते थे, कई कई साल रहे, इकट्ठे रहे, इवन 1000 साल से ज्यादा अरसा रहा, लेकिन दोनों कौमें एक बन नहीं पाई, फर्क था। तो अगर हम ये कहें कि आइडियोलॉजी कोई एक पिन पॉइंट डेफिनेशन है तो ये कम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको डिफाइन करना तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन इसकी जो करीब करीब डेफिनेशन है वो हमारे पास एक फ्रेंच फिलोसफर है अचोनी, वो देता है। अचोनी कहता है, अचोनी डस्टल ये कहता है कि भाई आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि जब किसी कौम ने ये समझ लिया कि मेरे पास यहाँ पे रहना इन हालातों वाकयात में मुश्किल है, नामुमकिन है, और उन्होंने अपनी अलहदा से एक तशख्स की, अपनी पहचान की कोशिश करना शुरू कर दी, वो हमारे पास आइडियोलॉजी है। तो हमें ये समझ में आया कि आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि जब एक जगह पर रहने वाले लोगों ने ये यकीन उनका हो गया, बिलीव हो गया कि भाई हम लोगों को सियासी तौर पर, हम लोगों को मुआशी तौर पर हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, इसलिए हमें आइडियोलॉजी, हम अलहदा होना चाहते हैं। देखिए, मुसलमानों को उनका, मुसलमानों ने पाकिस्तान को, याद रखिएगा, कभी भी इसलिए अचीव नहीं किया था कि यहाँ पे जाके नमाज, कलमा, रोजा, जुकात, हज जो है वो कर सकें, वो तो वहां पे भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप ये कहें कि हम जी इसलिए अलहदा मुल्क हासिल करना चाहते हैं क्योंकि हम वहां पे जो है वो नमाज पढ़ेंगे, हम वहां पे जो है वो इस्लाम को फैलाएंगे, तो ब्रिटिश तो ऐसा कभी नहीं मानेंगे ना कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इन्हीं चीजों का आगे चल के 1930 में जवाब देते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसे आपने आज तक शायर समझा, लेकिन वो सिर्फ शायर नहीं था, वो तो फिलोसफर था। वो बंदा कहता है कि भाई तुम्हें किसने कहा कि हमें नमाज, कलमा, रोजा, जुकात के लिए चाहिए? हम लोगों को तो जब तुम लोग स्ट्रेस करते हो,
हम लोगों को हमारे हकूक नहीं देता, हम लोगों को जब तुम लोग पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आगे नहीं बढ़ने देते हो, हम तो उसके लिए अपना जुदा करना तशख्स चाहते हैं, आगे चलते हैं। तो जी जहां तक आइडियोलॉजी की बात हमें समझ में आई, आइडियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुराद एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जो ये बताएगा कि हम कौन सा वाला पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं। हमारा जो प्रेफरेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम है वो ये है। सो हमारे अपने सेट ऑफ प्रपोजल्स के हिंदुओं के साथ हम नहीं रहेंगे। अब आइडियोलॉजी कोई एक दिन में तो बन नहीं गई, जो मुसलमानों ने एक दिन में ही जो है वो सोचा। इस्लाम जुड़े वाला एक बड़ा लिबरल जो है वो मजहब है। लिबरल मजहब से क्या मतलब हुआ, क्या मुराद हुआ? ब्रिटिश तो, वेस्ट तो, मगरब तो कहता है कि इस्लाम बड़ा कंजर्वेटिव है, तो सर आप कह रहे हैं लिबरल है। हजूर वाला 58 ममालिक हैं मुसलमानों के, 58 के 58 ममालिक का कल्चर एक है कि मुख्तलिफ, जरा मुझे बताइएगा। मुख्तलिफ कल्चर है, 58 कंट्रीज है मुसलमानों की, OIC को उठा के देख लें, 57 58, तो क्या कल्चर एक है या मुख्तलिफ सबका? डिफरेंट है, सऊदीया का और है, अफ्रीका का और है, स्पेन का और है, जहां जहां पे भी मुसलमान है वहां पे कल्चर और है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, और मोहम्मद मोहम्मद अली ने कहा था, कायदे आज़म मोहम्मद अली ने कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स जो है वो मुसलमान हुआ था। तो भाई हिंदुस्तान में इसे 1,000 साल रहने के बावजूद ये लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इस्लाम लिबरल है, इस्लाम लिबरल ये है कि हर कल्चर के अंदर जो है वो घुस घुस जाता है, या हर कल्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता। हिंदुइज्म को उठा के देखो, एक लिमिटेड डोमेन के अंदर रहेगा। ठीक है, कोई भी दुनिया का मजहब उठा के देख लीजिए, लिमिटेड लिमिटेड जो है वो बुद्धिज्म को उठा के देख लीजिए, कन्फ्यूशियस को उठा के देख लीजिए, मजहब जो है वो कल्चर से कंट्रास्ट कर जाता है, वहां पे अब्जॉर्ब नहीं करता। इस्लाम एक ऐसा लिबरल मजहब है कि जब हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए आर्मी आती है वो भी इस्लाम को फैलाते हैं, तजारत करने के लिए ताजिर आते हैं वो भी इस्लाम को फैलाते हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी इस्लाम को पढ़ाते हैं। कोई डोमेन फिट नहीं है कि ये मौलवियों का ही काम है। क्रिश्चियनिटी को, बुद्धिज्म को, बाकी मजाहब में तो डोमेन फिट है कि इन्हीं ने काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी बाकियों से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है जी? हमारी आइडियोलॉजी दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, और आइडियोलॉजी का मुख्तलिफ होने से मुराद यह है कि हम लोग आपसे मुआशी तौर पर, नजरियाती तौर पर हर तरह से मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये आइडियोलॉजी एक दिन में तो बनी नहीं ना, जो हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिश के सामने उठे और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को इस्लाम की तालीमात पे अमल करना है तो इसलिए हमें अलहदा मुल्क दे दो, और ना ही ब्रिटिश ने दिया। भाई एक कौम की सोच जब बदलती है, थिंकिंग ऑफ अ नेशन, 1935 में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज आना शुरू होती हैं, जब ये मिनिस्ट्रीज आती हैं मुसलमानों पे मुलाजमतों के दरवाजे बंद करते हैं, मुसलमानों के कारोबार ठप करते हैं, नए नए टैक्सेस लगाते हैं, सोच बदल गई, सोच तब्दील हो गई कि नहीं भाई ये चीजें तो बड़ी खतरनाक है। 1935 के मुसलमान देख लीजिएगा और 1935 के बाद के मुसलमान देख लीजिएगा। तो आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि भाई हम लोग तुम लोगों से मुख्तलिफ सोचते हैं, तुम लोग जो हिंदुइज्म जितने लोग यहाँ पे रहते हो हम तुम लोगों से मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ हों क्यों ना हों, मुख्तलिफ इसलिए हैं कि भाई हम लोग, हमें लगता है कि तुम लोग हमारे साथ मिसट्रीट करते हो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं वो तो मिसट्रीट नहीं करते। अकबर आते हैं 1526 में, जब जहीरुद्दीन बाबर आता है उसके बाद हुमायूं आता है फिर अकबर आता है, ये तो मिसट्रीट नहीं करते। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब था कि जब ये लोग आते हैं हजूर वाला, ये तो लोगों को सीनों से लगाता है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, मोहम्मद बिन कासिम ने आके 712 में यहाँ पे जब इलाकों को फतह किया, जब वापस गया मोहम्मद बिन कासिम को, तो लोग धारे मार मार के रोया करते थे कि यार एक ऐसा मुंसिफ आदमी चला गया।
ना इसने आके रेप किया, ना लोगों की जायदादें लूटी। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान मुख्तलिफ थे, हिंदुइज्म में ऐसा नहीं था। तो भाई जब मुसलमानों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि हम लोग जो हैं वो मिसट्रीट हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो ऑर्डर है, हम लोगों को आप उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो। और जब याद रखिएगा, ये जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स में बातें करते हो ना, तो ये मिस ट्रीट का मतलब ये नहीं है जी मुसलमानों को कलमा नहीं कहने देते थे, नमाज नहीं पढ़ने देते थे, रोजा नहीं रखने देते थे। ये सब किताबी बातें जो हमने अपने बच्चों को बताई हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी की क्या जरूरत है कि आपको नमाज पढ़ने से रोक दे? हिंदुस्तान के अंदर आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पिछले दिनों बीबीसी पे एक वीडियो वायरल हुई, सड़क पे कोई नमाज पढ़ रहा था, एक पुलिस वाला उसको जो है वो टुडे मार रहा था, फौरन से सस्पेंशन हो गई। हालांकि मोदी ने आके, आरएसएस जो है, मोदी ने आके इंडिया को पूरी हिंदुत्वा स्टेट बनाने की कोशिश की। लेकिन नहीं, मिसट्रीट का मतलब ये है कि जब इनको जॉब्स में हिस्सा नहीं मिला, मिसट्रीट का मतलब ये है कि जब आपने सूबे में इनके अख्तियार को कम किया, मिसट्रीट का मतलब ये है जब चपरासी से ज्यादा इनको नौकरी नहीं दी गई, मिसट्रीट का मतलब ये है तब इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, अब गुजारा नहीं होगा, अब अलहदा होना पड़ेगा। हाँ, अब ये देखें दानियल, ये मैंने उसको शेयर किया अपने एक इंडियन दोस्त के साथ, ठीक है, इंडियन दोस्त के साथ मैंने शेयर किया, और उसका जो रिस्पांस था वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। जरा ये देखें, मैं आपके ग्रुप में भेजा है, इसे जरा चेक कीजिएगा, जो पाकिस्तान अफेयर का ग्रुप किधर है, आई एम श्योर अभी आ जाता है। किधर गया जी पाकिस्तान अफेयर्स का ग्रुप? सुपर सेशन वालों का मिल गया है। और ये देखें जरा, चेक करें कि वो हिंदुस्तान में हिंदू है दीपक जो है, लेकिन स्कॉलर बंदा, बड़ी उसने पते की बात की, और मैंने वो आप लोगों के ग्रुप में भेज दिए। जनाब उसने कहा कि नमाज जो है उसको सड़क के ऊपर पढ़ने वाली क्या बात है, कोई हिंदू यहाँ पे आके सड़क के दरमियान चीजें उठा के पढ़ना शुरू कर देगा तो आप भी इजाजत नहीं देंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात ये थी कि जी इम्पोर्टेंस क्या पड़ गई आइडियोलॉजी की। भाई आइडियोलॉजी तो एक मोटिवेटिंग फोर्स है, मोटिवेट करेगी, ये बताएगी कि हम लोग दूसरों से मुख्तलिफ हैं, हम लोग मुसलमान दूसरों से हटके हैं। इसका मतलब यह है, आइडियोलॉजी का ये मतलब है कि एक मकसद से जोड़ के रखना कि भाई जितने मुसलमान हैं आज, जो एक मजहब के फॉलोअर हैं, हम सब लोगों के यहाँ पे हकूक को सलब किया जा रहा है। यूं कह लें कि जहाँ पे लोगों के हकूक सलब होते हैं तो वहां पे एक आइडियोलॉजी जन्म लेती है, एक आइडियोलॉजी पैदा होती है। अब आइडियोलॉजी जहाँ पे पैदा होती है तो वहां पे दो तरह के लोग आते हैं, एक तो मानते हैं और एक नहीं मानते हैं। अभी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी नहीं माना गया, नहीं माना। ये बातें बड़ी समझने वाली बातें हैं। पाकिस्तान जो 1933 में, 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कॉइन किया, तो मोहम्मद अली जिना ने और बाकी लोगों ने कहा यार ये क्या तुमने काम कर दिया। नहीं तो आप के अजीज की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें, 1931 में खुतबा अलाहाबाद होता है, मोहम्मद इकबाल जो है वो 50,000 लोगों के सामने खुतबा अलाहाबाद देते हैं, वहां पे जो है वो सेपरेट नेशन का तसव्वुर देते हैं, पाकिस्तान का नहीं, सेपरेट नेशन का। मुस्लिम लीग ने कहा कि जी हमें नहीं पता ये इकबाल का अपना जो है वो फलसफा हो सकता है, हम इस चीज से सहमत नहीं है, हम नहीं मानते हैं इस बात। क्यों? मुस्लिम लीग जो है वो तो देखो जमात बनाई भी तो किसने किससे बनाई गई थी, तरले मिनते करके बनाई गई थी कि मुसलमानों को ये पता चले कि भाई तुम लोगों ने काम करना, आगे चलेंगे पता चलेगा, पाकिस्तान स्टडीज जो है वो हमारी आंखें खोलेगी, जो सही वाली पाकिस्तान स्टडीज है। अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से पहले के अजीज अपनी किताब, दूसरी किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, शानदार किताब लिखता है, कहता जी कहते हैं कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। यार जिन्ना कैसे पाकिस्तान बना सके? पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग ने बनाया, क्यों ऐसा ही है? आपको क्या लगता है मोहम्मद अली जिन्ना अकेले पर्सन तो नहीं थे? पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग ने बनाया, मुस्लिम लीग में कई लीडर्स है, सबने मिलजुल के स्ट्रगल की तो पाकिस्तान बना।
अब ये कहना कि एक फर्द अकेला उठा, उसने उठ के जो है पाकिस्तान बनाया, ये तो अपने बच्चों को गलत बात बताने वाली बात है। और अगर आप ये भी बात कहें तो पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं बनाया। और अभी आपने कहा मुस्लिम लीग ने बनाया, अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, ये क्या बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान अगर मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? तो क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान तो हिंदुओं की तंग नजरी ने बनाया? अगर हिंदू तंग नजर ना होते तो पाकिस्तान बनता? अगर हिंदू जो है वो सेपरेशन को प्रमोट ना करते, अगर वो मुसलमानों को जो है मुलाजमतों से ना धुतकारते तो पाकिस्तान कभी ना बनता। सो अगर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो हिंदुओं ने बनाया। अगर हिंदू जो है वो मुसलमानों को सपोर्ट करते रहते तो कभी ना होता। अब बात ये है जी, मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया। अब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी जन्म ले ली। आइडियोलॉजी क्या है भाई? तुझ पे भी जुल्म हो रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब इकट्ठे हो गए। हाँ जी, हो गए हैं जी, अब क्या करना है? इकबाल का जलसा सुनने चलते हैं, 1930-31 की बातें। जलसा 31 में हुआ था, हमने अपने बच्चों को 1930 पढ़ाया हुआ है, 21वीं का तो हमने मर्डर करके रख दिया। अब वहां पे जी वो क्या है जी, अब यहाँ पे ये बड़ी पावरफुल लाइन है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये रिएक्शन था। पाकिस्तान हिंदुओं ने बनाया था और ब्रिटिश ने बनाया था। अगर ये मुसलमानों को हकूक दे देते, आई एम श्योर कि ये लाइन अब आपको समझ में आ गई हो, अगर ये हकूक देते तो कभी ना बनता। बांग्लादेश आप लोगों ने मिलकर बनाया, अगर आप बंगालियों को हकूक देते तो बांग्लादेश कभी ना जाता। अब इसका मतलब यह है कि रिवॉल्ट, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आपने भुक्ति को कत्ल किया, आपने उनकी गैस बंद की, आप रिएक्शन भुगत रहे हैं। आपने इस्लामाबाद में उनके बलोचों के अटैक पे जो उनके जो जलूस से उन पर अटैक किया, अब ये देखें आप भुगत रहे हैं। अब यहाँ पे मामला ये है पाकिस्तान को रिएक्शन के, उनके कल्चर को, मुसलमानों के कल्चर को सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब बातें होना शुरू होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना बड़ी यूनिक थे। 1935 से लेके 1947 तक जो वाकयात हुए वो इतने अजीबोगरीब थे कि शायद तारीख के अंदर इतना इतनी तेजी से आने वाली तब्दीली कभी ना होती। जिन्ना एक विजनरी लीडर था। अगर पाकिस्तान बनाने में पाकिस्तान के पास या मुसलमानों के पास जिन्ना जैसा लीडर ना होता तो पाकिस्तान क्या मुसलमान जो है वो शायद एक सूबा भी ना बना पाते, ये आगे चल के हम बात साबित करेंगे। जिन्ना बहुत बड़ा लीडर था। अब कैसा लीडर था? बहुत आला पाए का पॉलिटिशियन था। अब देखो पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई तुम लोगों ने हमारे हकूक को दबाया हुआ है। अब भाई हकूक दबते हैं लेकिन लोगों को इकट्ठा भी तो करना है। अब लोगों को कहोगे कि तुम लोग कहोगे जी सब मेरे मुआशी हकूक दब रहे हैं, मुझे मुलाजमत से निकाल दिया गया, मुझे कहते हैं चपरासी की नौकरी करोगे, तो यार ये तुम्हारा मसला ना, ये दानियाल का मसला है, ये इमरान का मसला है, ये तानिया का मसला है, ये आलिया का मसला है, मेरा क्या मसला है मैं क्यों तुम्हारे साथ इकट्ठा करूं? हाँ अगर मैं कहूंगा ना कि मजहब खतरे में है तो सबके सब निकलेंगे, सबके सब कहेंगे हाँ मैं भी साथ हूँ। अब नारा लगाओ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। अब हमें जो है वो सपोर्ट मिलेगी, किसकी सपोर्ट मिलेगी? बेसिस पे मासिस की सपोर्ट मिलेगी, अवाम की सपोर्ट मिलेगी। अगर अवाम को समझाते चले जाओ कि यार तुम लोगों का मसला है, तुम लोगों के बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे, तुम लोगों का इस्तेहसाल करेंगे, नहीं समझ में आएगी बात। बात समझ में आएगी जब उनको कहोगे मजहब खतरे में है, हमें अपने मजहब की प्रैक्टिस के लिए एक अलहदा से लैंड चाहिए। पहले क्या हमने अवामुन्नास को बताने के लिए मजहब को इस्तेमाल किया, और इसमें कोई बुराई नहीं है जी। हम लोग मजहब जो है वो वाकई में हमारा मजहब खतरे में था भी। क्यों खतरे में था? कि हमें मजहबी रसूमात के मुताबिक जो है वो गायें ज़िबा नहीं करने दी जाती थी। हम लोगों को जो है वो गायें ज़िबा करने से मना दिया कि कहीं कहीं पे जो फसाद हो जाते थे, लेकिन ये नमाज वगैरह पढ़ने से ना कभी किसी ने रोका और ना कभी कोई रोक सकता था, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बंगाल में बड़े बड़े टॉप के मुसलमान थे और बड़ी बड़ी टॉप की जो है वो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थे। बहरे क्या हमने जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको प्रमोट किया। अब थी टू नेशन कॉन्सेप्ट। ये टू नेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया?
1906 में, 1906 तक जो है वो मुसलमानों के पास, 1905-6 तक मुसलमानों के पास तो अपनी जमात भी नहीं थी, मुस्लिम लीग जो है वो, ये तो सब के सब शिमला में जाते हैं वाइसराय के पास, उसे जाके मिलते हैं कि हजूरे वाला हम आपकी खिदमत में आए हैं, वाइसराय हिंदुओं पूरे हिंदुस्तान का करता धरता, कि हजूरे वाला हम आपके पास आए हैं, हमें जो है वो कुछ मुतालबात हैं। उसने कहा मुतालबात तो बाद में सुनूंगा, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन। उन्होंने कहा जी हम लोग मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने भाई कौन से रिप्रेजेंटेटिव हो, ना तुम लोगों की कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना कोई जमात है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव हो, मैंने वाइसराय हूँ, मैंने जाके उधर बर्तानिया को बताना है, मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके बात करनी है, मैं क्या कहूंगा कि 35 लोग मुंह उठा के मेरे पास आ गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मुसलमानों के मसाइल, भाई अपनी जाके कोई सियासी पार्टी बनाओ, समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है। मैंने कहा भाई कोई पार्टी बना के आओ, मुझे पता तो चले कि तुम लोग हो कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हो, तुम कहते हो हम नुमाइंदा जमात है, कांग्रेस कहती है हम जमात है। अब यहां से लेकिन ये कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की बातें बहुत पीछे आती हैं। टू नेशन कॉन्सेप्ट, टू नेशन कॉन्सेप्ट ये है जनाब कि दोनों की दोनों कौमें जो हैं वो डिफरेंट है। भाई कैसे डिफरेंट है, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आके अटैक किया था ना, तो डिफरेंट कैसे हो गए, हम डीएनए टेस्ट करवा लो, आपका भी डीएनए वही है, दीपक का भी वही है, अश्नीर का भी वही है, कपल का भी वही है, राजेश का भी वही है, तो भाई तुम लोग कैसे मुख्तलिफ हो गए। देखो ये तुम बातें जो है ना हम आपस में तो एक दूसरे को बता सकते हैं कि मैं भी मुख्तलिफ हूँ, मैं भी मुख्तलिफ हूँ, मैं भी मुख्तलिफ हूँ, ब्रिटिश को ये बातें समझाना जो है वो नामुमकिन है। उन्हें कहना जी मैं मुख्तलिफ हूँ, ये मुख्तलिफ, वो कहें कैसे मुख्तलिफ हो भाई, तुम भी एक जैसे हो, तुम भी एक जैसे हो, तुम्हारे बाप दादा भी इधर रहे, तुम्हारे भी इधर रहे, तुम कह रहे हो हम मुख्तलिफ हो गए और हमें अलहदा मुल्क दे दो, क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि तुम लोग इकट्ठे रह रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि मेरा मजहब, मजहब की बुनियाद पे तो नहीं तुम मुख्तलिफ हो सकता, इस तरह से तो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब अलहदा अलहदा अपना मुल्क मांगना शुरू कर दें, सब ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमें तो अलहदा अलहदा मजहब दे दो। ये टू नेशन क्या है, थ्योरी क्या है, तुम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हो, तुम गजनवी की बात करते हो, वो तो बाहर से आए थे तुम पे अटैक करके चले गए, तो तुम लोगों को कैसे लगता कि भाई तुम उनसे मुख्तलिफ हो, तुम तो यहीं के हो, तुम्हारे माँ बाप जो है वो कन्वर्ट हुए थे। अब यहाँ पे रोल आता है टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन थ्योरी क्या है भाई, उन्हें समझाना है कि नहीं देखो यार हमारा कल्चर सिविलाइजेशन और कस्टम्स और है, इस्लाम और है, इस्लाम की बातें हो रहे हैं, हम लोग जो हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, हम लोग 1857 तक जब मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पे रही, हजूरे वाला 1000 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो इकट्ठे होने के बावजूद मर्ज नहीं हो सका, हम लोगों ने अपनी अपनी शनाख्त को मेंटेन रखा, तो भाई हम लोगों का पॉइंट रहता है। मुसलमानों के पास अगर ये बंदा ना होता जिसको सर सैयद अहमद खान कहते हैं, सर सैयद अहमद खान एक पला का जहीन आदमी, सर सैयद अहमद खान, ये सर सैयद अहमद खान 1867 वाला सर सैयद एक बिल्कुल मुख्तलिफ सर सैयद है। क्यों जी, 1867 वाले सर सैयद में क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, सर सैयद अहमद खान जनाब एक ऐसा सर सैयद जिसने मुसलमानों को हिला के रख दिया, सर सैयद अहमद खान भाई सर सैयद शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब में आता है, उन लोगों को प्रमोट करता है, लेकिन 1867 में उर्दू हिंदी तनाजा शुरू हो गया। उर्दू हिंदी तनाजा क्या, जब से मुसलमानों की हुकूमत रही उर्दू ने हुकूमत की जनाब, उर्दू जो है वो हुकूमत करती रही, उर्दू उस कल्चर की उस लश्कर की जो है वो जमात रही, लेकिन अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास कहानी जो है वो बदल जाती है, कहानी ये बदलती है और ये हिंदू इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं जनाब अब जो है वो अब बदलेगा, क्या बदलेगा, अब बदलेगा ये हमारे पास कि अब हिंदी आएगी, क्यों हिंदी आएगी, हिंदी का क्या है भाई, लैंग्वेज से क्या होता है, तो लैंग्वेज से ही जनाब सारी की सारी चीजें मिलती है, अगर नहीं यकीन आता तो बंगालियों से पूछ कर देख लो, नहीं यकीन आता तो जरा देख लीजिए जो लोग अपने मुल्कों के लिए जंगे लड़ते हैं उनसे पूछे जरा, हमें पता चल जाएगा कि जनाब हजूरे वाला कहानी जो है वो कहीं और है, कुछ और तरह से चीजें मिलती हैं। बैठे कैफ जी, जहां से आगे बढ़ते हैं।
अब जी यहाँ से हमें टू नेशन थ्योरी का पता चलता, टू नेशन थ्योरी का हमें ये भी पता चलता है कि 1867 में हमें ये क्लियर हो जाता, हमें पता चल जाता है कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकता। सो सर सैयद, और सर सैयद से पहले जो बंदा मौजूद था जिसने ये बात की थी, अल बेरूनी, द लेवल चेक करें, महमूद ऑफ गजनवी के साथ 1000 सेंचुरी में आता है वो बंदा, और क्या बंदा बात करता है कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग कौम है। तो जी हमें तो अलग-अलग मुल्क चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि हम लोग इनसे अलग हैं। सर सैयद एक ऐसा बंदा था जिसके बारे में याद रखिएगा, सर सैयद जो है वो बड़ा मेहनती बंदा था, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, असल नाम तो इसका सैयद था, ठीक है। और अब हमारे पास सर सैयद, ये सर का टाइटल दिया गया था, सर सैयद। आगे चलते हैं जी, मुसलमानों को अब जी सर सैयद अहमद खान ने भी बता दिया, टू नेशन थ्योरी हमारे पास आ गई। अब पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? मैंने जैसा कि आगाज में अर्ज किया कि आपको समझाना, मुझे समझाना तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान इसलिए बनाया, पाकिस्तान इसलिए बनाया। भाई ब्रिटिश को समझाना है तो कैसे समझाओगे? दो तरह के मसले हैं, एक तरफ ब्रिटिश है, ब्रिटिश को समझाओ कि पाकिस्तान क्यों बना, दूसरी तरफ आपकी अपनी आवाम है। अब देखो आज के दौर में कोई सोशल मीडिया तो है नहीं कि पोस्ट बनाई फेसबुक पे डाल दी कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अब आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जी मुस्लिम लीग ने एक एजेंडा अपनाया, और वो था कि हमें जो है वो अल्लाह ताला की, गॉड अलमाइटी के सॉवरेनिटी को, अल्लाह के अहकाम को लगाना है जनाब, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए। मोहम्मद अली जनाब बड़ा अजीम लीडर था, ऐसा अजीम लीडर था कि वाइस राय ने कह रखा था, यार ये ना मोहम्मद अली जिना जब आए तो इसे मेरे सामने ना यार लाया करो, इसकी ना बात सुन के इसको भेज दिया करो, ये बंदा बहुत बोलता है और बंदा मुझे चुप करवा देता है, मतलब इसके आर्ग्यूमेंट्स के सामने मैं नहीं बोल पाता। तो जिना ने कहा कि हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये है कि जहां पे हम इस्लामी प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकें। यहाँ पे जब इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी मोहम्मद अली जिना ने भी तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात की थी, और मोहम्मद अली जिना ने जब इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात की थी तो उनका इशारा इक्वालिटी की तरफ है, उनका इशारा जो है वो सबके लिए जो है वो जॉब था। पहली स्पीच 1948 में कह दिया कि इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, चर्चेस एंड द मॉस्क, वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। सो पाकिस्तान इज नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट जहां पे तुम जा नहीं सकते। फिर हमने पाकिस्तान बनाया, पेपर में ये मैंने बताया कि ये सारे के सारा जब मैं ब्रेकडाउन आपको बता रहा था तो बड़े क्वेश्चंस उठाता है यहाँ से, ये पिछले पेपर्स हैं देख लो, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी हमें कायम करनी है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबके सब लोगों को बताया जाए, उनके हकूक दिए जाएं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 फरवरी 1948 को कहा था सिब्बी में खिताब करते हुए कि भाई देखो मेरा तो एक ही बंदे पे यकीन है, यकीन कामिल है, और वो है ला गिवर, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उन्होंने हमें बताया कि इस्लामी आइडियाज और प्रिंसिपल्स कैसे देने और हम उसी पे चलेंगे। अब हमारे पास जो है वो आगे चलते हैं, रिवाइवल ऑफ मुस्लिम इमेज। मुसलमानों का इमेज आइडेंटिटी इतना बदल चुका था, अगर एक बंदा जिसका मैंने आपको बताया सर सैयद अहमद खान, सर सैयद इतना बड़ा नाम है, 1861 में एक गैर मुस्लिम एक किताब लिखता है, द मोहम्मद, द प्रॉफिट मोहम्मद, उसमें हजूर अकरम सल्लम की शान में गुस्ताखी करता। कोई मौलवी कोई किताब नहीं लिखता, कोई कुछ नहीं लिखता, सर सैयद अहमद खान जो है वो जवाब लिखता। सर सैयद अपना प्रिंटिंग प्रेस बेचता है और बंदा चला जाता है लंदन में अपने बेटे सैयद महमूद अल हसन के साथ। अब ये वो बंदा था, इसने देखा कि मुसलमानों की आइडेंटिटी को खतरा है, फिर वहां पे जाके जवाब लिखता है और फिर जो है वो मुसलमानों को बताता है यार यस दिस इज द आंसर। तो 1857 के बाद जो है जो मुसलमानों के ऊपर आफतान पड़ी थी, मुसलमानों का तो स्टेटस खत्म हो गया, ना उन्हें नौकरी देनी ना कुछ और काम करना। ब्रिटिश डरा करते थे, ब्रिटिश को लगता था ये म्यूटनी कभी भी पैदा कर सकता, आप उसे जो है वो इंडिपेंडेंस या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हो, उनके लिए तो ये म्यूटनी थी 1857 वाली।
उसने जनाब शिनाख्त को खत्म करके रख दिया मुसलमानों की। अब हिंदू इंतजार कर रहे थे, इंतजार क्यों ना करें भाई, 712 से आपने हिंदुस्तान में आके हमले किए, अटैक किए, अब हिंदुओं को मौका मिल गया। हिंदू जो है वो उन्होंने साथ साथ दो चीजों पर फोकस किया, पहला एजुकेशन, दूसरा पॉलिटिक्स। मुसलमान जो है, एजुकेशन और पॉलिटिक्स, मुसलमानों को दोनों में ही अब ब्रिटिश ने पीछे किया। अब यहाँ पे क्या था, हिंदुओं ने इन दोनों चीजों को अपने कंट्रोल में लिया। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है, जो जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी यही था कि हाथ नमाज के लिए सीने पे बांधूं या पाँव पे बांधूं या आप पीठ पे बांधूं, पाँव नमाज में साथ रखूं या फास्टे पे रखूं, टखनों से ऊंचे शलवार हो या नीचे हो। हिंदुओं ने इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने कहा हजूरे वाला हम मौजूद हैं ब्रिटिश को, आप बेफिक्र हो जाए, आप जो हैं वो मुसलमानों को छोड़िए जहां पे जरूरत होगी, हम ये तो हैं ही गद्दार, इन्होंने 1857 में आपके साथ क्या किया। तो भाई अब हमें अपने कल्चर को महफूज करना था। जॉब्स कहीं पे कोई आती, हिंदुओं ने तो मशवरा दे के उनसे आज का CSS इंट्रोड्यूस करवा रखा था। वो कहते थे कि अगर कहीं पे कोई अच्छी जॉब है, कोई नौकरी है, तो उसे आप कंपटीशन के एग्जाम से फिल करें। अब कंपटीशन के एग्जाम्स में मुसलमान कैसे आए, जिन्होंने ना सिर्फ इंग्लिश का बायकॉट कर रखा था बल्कि जदीद साइंसों का भी बायकॉट कर रखा था। उन्हें लगता है कि नहीं, साइंस कहती है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन नहीं, हमें तो लगता है कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूमता, चक्कर लगाता। इन छोटे छोटे मसले मसाइल की वजह से ब्रिटिश जो है वो ऐसा करता था। उन्होंने कहा ठीक है, अब इसके लिए भी हमें जनाब जरूरत है, इसके लिए भी हमने पाकिस्तान को स्टैब्लिश करना था, टू नेशन थ्योरी। जनाब जिन्ना ने एक बात कही थी, जिन्ना ने कहा था कि पहला मुसलमान जिस दिन इस हिंदुस्तान में हुआ था, पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था। अब ये क्या बात हुई भी? पहला मुसलमान होना एक अलहदा बात है, पाकिस्तान बनना एक अलहदा बात है। भाई जिन्ना, मैंने पहले बताया कि बड़ा टॉप का आला पाए का लीडर था। जिन्ना ने कहा कि इस्लाम जो है उसको तुम लोग सप्रेस नहीं कर सकता। टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि ये 712 से लेके 1857 तक ये कौमें इकट्ठी रही, लेकिन ये कौमें एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल सके। ये एक दूसरे के साथ खा पी सकती हैं, डाइन कर सकती हैं, लेकिन इनके जहनों में मौजूद है कि हम डिफरेंट हैं। नहीं यकीन तो आज देख लीजिए, आज आप किसी भी शादी में चले जाएं जहां पे आपके दोस्त क्रिश्चियन हो या कोई और मजहब से हो, जरा मुझे बताइए चैट बॉक्स में माइंड में रहता है या नहीं रहता कि ये क्रिश्चियन है और हम इनसे हटके हैं, ये जो है पारसी हैं और हम इनसे हटके हैं, यार हमारा मजहब डिफरेंट है, यार ये और है। तो जिन्ना ने कहा था जिस दिन पहला जनाब हिंदू मुसलमान हुआ, उसी दिन जो है वो ऐसा हुआ था। और ये अपनी सिविलाइजेशन, कल्चर, लिटरेचर हर तरह से मुख्तफ है। दूसरा झटका सर सैयद अहमद खान को लगा था जब 1857 में उन्होंने 1867 में कह दिया उर्दू हिंदी तनाजा हो गया। हिंदुओं की हाट धर्मी की एक छोटी सी बात लैंग्वेज को लेकर, उर्दू जिसने कभी राज किया, राज होती थी और राज किया हुआ था, उस जुबान के ऊपर आके कि जनाब इसको खत्म किया जाए और हिंदू को लॉन्च किया जाए। सर सैयद इससे पहले दोनों जमातों को इकट्ठा काम करने के ऊपर लगे होते थे। अब आप समझेंगे कि हजूरे वाला उर्दू ही थी, बदल जाती तो क्या होता? नहीं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हर जगह पे उर्दू खत्म, मतलब आइडेंटिटी खत्म हो गई मुसलमानों की। सर सैयद बहुत बड़ी बला का नाम था। गवर्नर जब इलाके में आया करते थे तो सर सैयद के घर रुका करते थे। सर सैयद नाम चेक करें तो सर सैयद है, मैंने बताया टाइटल दिया हुआ था। और ये सर सैयद अहमद खान था 1898 तक, जब तक ये बंदा जो है वो मरा नहीं, तब तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि उर्दू का स्टेटस खत्म कर दें। और ये तो सर सैयद के मरने के बाद 2-3 साल के बाद उर्दू का स्टेटस खत्म किया गया और हिंदू को ला दिया गया, हिंदू को हिंदी जो है उसको लॉन्च कर दिया गया। सर सैयद ने शुरू में देखा कि यार ये बंदे जो हैं वो हमारे साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भाई पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। सो अब हमारे पास, पहले तो मैंने बताया 1933 में जब चौधरी रहमत अली ने ये वर्ड क्वाइन किया, तो तब तो मुस्लिम लीग ने इससे ऐलाने लातअलकी कर दिया कि जनाब ये जो पाकिस्तान का वर्ड क्वाइन किया है हमें नहीं पता इस चीज़ का। भाई ब्रिटिश जो है वो आपकी बातें कैसे मानते,
आप उनसे एक तरफ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तरले मिलते डाल रहे हो, मुस्लिम लीग 1906 में जब मैंने बताया 35 लोगों का वफद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कुछ 1.5 लाख मुसलमानों ने उस पर्चे पे साइन किए हुए थे, जाके वायसराय से मिलते हैं कि जी हम लोगों का मुतालबा है। वायसराय ने कहा कि भाई मुझसे मिलने से पहले कुछ जमात तो बनाओ, मैं वायसराय तो हूँ लेकिन मुझे जाके वहां पे बात करनी है ब्रिटिश में, मैं वहां पे पार्लियामेंट में जाके क्या बात करूंगा कि मुसलमान आए थे 1.5 लाख लोगों के सिग्नेचर किए हुए। तो फिर जो है वो हम बनाते हैं मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के तीनों एजेंडे जो है वो पढ़ के देख लीजिए। क्या एजेंडा था पहला, कि हम जो है वो ब्रिटिश के साथ वफादार रहेंगे, ब्रिटिश के मुफाद के खिलाफ नहीं चलेंगे, और मुसलमानों में कोई भी अगर ऐसी चीज पैदा हुई जो म्यूटनी को, बगावत को प्रमोट करेंगे, हम उसको दबाएंगे और दूसरी कौमों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। तो हजूरे वाला, अब हम जो हैं 1906 से जब हमने तरले मिनतों से बातें शुरू की, 1940 तक हमारी पॉलिसी यही रही। 1906 से 1940 का मोहम्मद अली जिना जो है वो एक ऐसा जिना था जिसने मुसलमानों के हकूक को बड़ी कामयाबी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। 1940 के बाद का जो जिना है वो रिएक्शनरी जिना है। अगर जिना की पर्सनैलिटी और टू नेशन थ्योरी को समझना है तो तीन किताबें रिकमेंड करूंगा जिनको पढ़ना लाजमी। पहली के अजीज की द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और दूसरी इसी बंदे की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, और तीसरी आयशा जलाल की जिना द स्पोक्स पर्सन। वैसे अगर कोई टेक्स्ट बुक देखनी है तो इकराम रुबानी की एक किताब भी अच्छी है और ट्रैक टू पाकिस्तान की किताब अच्छी है, लेकिन ये किताबें बड़ी जबरदस्त हैं। जसवंत सिंह को पढ़ा जा सकता है अगर ज्यादा डिटेल में बात करनी। अब जी एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास तो ये पूरा हो गया, अब आगे हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हिंदू मेजोरिटी से बचना था। हजूरे वाला इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हिंदू जो हैं वो 75% थे पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, और जब भी जो है वो बात होती थी तो हिंदू पहुंच जाते थे कि भाई हम मेजोरिटी हैं, हम मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात हैं, हम सब जो है उन तमाम की नुमाइंदा जमात हैं। अब हिंदुओं का इरादा यह था कि भाई देखो ये ब्रिटिश जाते हैं, यार एंड पे बता दूंगा, लेक्चर पे फोकस करें। अब ये ब्रिटिश जाते हैं तो इसके बाद ना हम लोगों ने कंट्रोल करना। भाई बात तो सच्ची है, हम देखो इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हम लोगों को अकल से बात से करनी पड़ेगी। हम इंटरव्यूज में बड़ी लंबी लंबी छोड़ देते हैं जी मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रही थी। भाई इस्तेहसाल कर रही थी तो आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में, वो कैसे रहे जी? हमारी टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी क्या थी कि हिंदू जो हैं वो हमारे राइट्स जो हैं वो उनको खा रहे थे पी रहे थे, तो इसलिए हमने अलग मुल्क ले लिया। भाई तुम लोगों ने टू नेशन थ्योरी तो ले ली, तो 1971 में क्या हुआ, तुम्हारी टू नेशन थ्योरी का तो जनाजा निकल गया जब बांग्लादेश ने कहा हमने नहीं इनके साथ रहना, अलग चले गए, तब किधर गई टू नेशन थ्योरी, तब तो खत्म हो गई ना, क्या हुआ? तो भाई ये बड़ी अकल से बातें डील करनी पड़ेगी। 2011 के पेपर में तो उसने सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया कि टू नेशन थ्योरी क्या खत्म हो गई या बांग्लादेश बन गया। तो बात यह है टू नेशन थ्योरी खत्म होती है जुरे वाला अगर बांग्लादेश वापस जाके इंडिया में मिल जाता। उसने अपनी अलहदा तशख्स को बरकरार रखा, उसने कहा जी मैं इंडिया के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बंगाल अलहदा बनाऊंगा। तो इसका मतलब है जो बाबा जी ने जो ख्वाब देखा था ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, और जो कायदे आजम ने कोशिश की थी, वो बड़े विजनरी लीडर थे। तो टू नेशन थ्योरी हम अपने इंटरव्यूज में इधर उधर की लंबी लंबी बातें छोड़ के पैनल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता काम। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें पैनल को बताना पड़ता है यार ये नहीं, हाँ ये थी चीजें। अब 75% जो है वो हिंदू हैं, 25% मुसलमान है, तो भाई देखो ब्रिटिश क्यों तुम लोगों को एक अलहदा से मुल्क बना के दे दे 25% के लिए। अब तुम लोगों को तो 25% नजर आ रहा है तो दूसरा वहां पे तो 25% के करीब तो वहां पे शूदर भी रहते हैं, नॉन टचेबल या अनटचेबल्स, तो भाई वो भी तो 25-26% ना उनको लेदर से बना के दे दें। भाई छोटी छोटी जमातें और भी रहती हैं तो तुम लोगों को क्यों मैं बना के दे दूं भाई? मतलब ब्रिटिश जो है वो क्यों तकसीम करेगा, क्या मामला है? अच्छा मामला तो ये है कि बात तो वाकई सोचने वाली है कि भाई बाकी भी रहते हैं तो क्या उन सबको बना दें? और दूसरी तरफ कांग्रेस जब भी कोई मीटिंग होती है तो कांग्रेस जाके कहती है कि ये फजूल है, ये किन के लीडर हैं? आप मुसलमानों की बात करते हैं, ये देखिए अब्दुल कलाम आजाद हमारे साथ बैठा हुआ है, ये तो हमारा दोस्त है, हमारे भाई है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन तो हम कर रहे हैं,
और ऐसा 1935 के इलेक्शंस में हुआ भी। मुसलमानों की भी जितनी सीटें थीं जो कांग्रेस की तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे ना, वो भी सारे के सारे जीत गए। अब हजूरे वाला हिंदुओं ने जो है वो सोचा हुआ था, जब भी इलेक्शन जीतते थे हिंदू ठीक ठाक मुसलमानों की मरम्मत करते थे। मरम्मत इस तरह से नहीं कि उनको पकड़ा गालियां देना शुरू कर दी, मरम्मत इस तरह से कि जॉब्स हैं, चलो भाई चपरासी है तो इसको रख दो, कोटा खत्म कर दो, मेडिकल कॉलेजेस में सीटें मुसलमानों की खत्म कर दो, मुसलमानों के साथ ये जुल्म कर दो। तो लंबी गेम है हजूरे वाला। अब मुसलमानों ने सोचा कि नहीं यार, अलहदा से जो है वो कुछ चलना पड़ेगा। तो अपने आप को ये इमेंसिपेशन फ्रॉम द प्रेजिडल हिंदू मेजोरिटी से बचना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, मुसलमानों में बंगाल जो है वो हमारा टॉप का एरिया था, बड़ी पावरफुल मुसलमान वहां पे रहते थे और बड़े पला के दलेर जो है वो बंगाली हुआ करते थे। मुसलमानों की अब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पार्टीशन से पहले वो बड़ी डिप्लोरेबल थे। किसकी पार्टीशन से, बंगाल की पार्टीशन से पहले। हिंदू जो हैं वो हर जगह कॉमर्स में ट्रेड में छाए हुए थे। क्यों, एक नेचुरल सी बात है जी, नजर आता है कि जब आप ब्रिटिश के करीब हैं, जब आप ब्रिटिश को यकीन दिला रहे हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पॉलिसीज दूंगा, तो आप करीब ही होंगे, और ऐसा हुआ। अब जी पाकिस्तान के बारे में जब ये सारी की सारी बातें होती हैं, तो अब हमारे पास एक मर्द मुजाहिद आता है और वो है मोहम्मद इकबाल। अभी हम आइडियोलॉजी की बातें कर रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कहती क्या है, पाकिस्तान क्यों जरूरी है। इकबाल पहले फिलोसफर था फिर पोइट था, याद रखिएगा। पोइट जो है ना वो बड़ी चीजों को डिटेल से देखता है। हम ये कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पोइट्स, पोइट्स दे आर सेंसिटिव, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन फील द वेरी सेंसिटिव डिटेल्स, दे आर वेरी टची पर्सन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकबाल, इकबाल वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर एंड फिलोसफर। इकबाल वॉज ए पर्सन हु नॉट ओनली कम्प्लीटेड हिज क्वालिफिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान उस वक्त का तो हिंदुस्तान था, बट ऑल्सो फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी ने तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए थे। अब वहां पे बंदा जाता है तो वहां पे जाके देखता है जर्मनी का एक सिस्टम हुआ करता था। हजूरे वाला जर्मनी का सिस्टम ये था कि जो चीज है उसका अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और उसी चीजों में ला के देखना। मिसाल के तौर पर मुझे आपकी बात समझनी है तो उसको पहले मैं अपने फ्रेमवर्क में लाऊंगा कि यार ये बात मैं अपनी तरह से समझूंगा वो कैसा। इकबाल के ऊपर भी जर्मनी के बड़े बड़े राइटर्स की बड़ी गहरी गहरी छाप थी। इकबाल के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी छाप थी। और वो छाप क्या थी इकबाल के ऊपर जो है वो, छाप ये थी कि जनाब इकबाल ने सीखा, इकबाल ने कहा यार ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो कोई अच्छा नहीं चल रहा। 1931 मैंने बताया, नहीं तो के अजीज की किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ के देख लें। हम बच्चों को पढ़ाते हैं खुतबा अलाहाबाद 1930, हिस्ट्री का जनाजा तो हमने खुद ही निकाल दिया भाई। बच्चों को सच पढ़ाओगे तो पता चलेगा ना, मानने में क्या अर्ज है। मान लो कि हमने जंगे हारी थी, मान लो हमारे से गलतियां हुई थी, क्या हो जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, क्यों नहीं करते हो। 1931 का खुतबा होता है, 50,000 लोग उसको अटेंड करने आते हैं, क्या कॉलेजेस के बच्चे, क्या लोग, खुतबा जलसा। इकबाल कहते हैं कि मुझे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर उन इलाकों में जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, मुझे लगता है कि उनको एक अलहदा नेशन बना दिया जाए, वहां पे एक अलहदा कंट्री बना दी जाए। नेशन की बात की, कंट्री की बात नहीं की। ब्रिटिश जो है वो हिलना शुरू हो गए, ब्रिटिश ने कहा ये इकबाल क्या बातें कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिना को मैसेज भेजते हैं कि जिना साहब ये इकबाल साहब जो है वो अलहदा अलहदा की बातें कर रहे हैं, जबकि आप तो हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर भी रहे हैं, तो ये इकबाल साहब क्या बात कर रहे हैं। उनका जी इस चीज से अभी हमारा मुस्लिम लीग का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर जिना बहुत बड़े विजनरी लीडर थे, लेकिन इकबाल ने वो चीज जिना से भी पहले देख ली कि नहीं, इन लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता। ये देखिए जरा अल्फाज पढ़िएगा, आई देयर फोर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड इस्लाम। देखो पहले मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात की है, बाद में इस्लाम की बात की है। ये जो पाकिस्तान को एक स्टेट बता देते हैं ना हम लोग जज्बात में आके कि पाकिस्तान को इस्लाम के लिए बनाया गया था, भाई इस्लाम के लिए बनी थी,
लेकिन अपने केस को वीक कर लेते हो इस तरह से बातें करके। जो नॉन मुस्लिम्स हैं फिर वो कहते हैं कि हम लोगों का तो यहाँ पे कोई राइट नहीं है, ठीक है। सो इकबाल, इकबाल इसके ऊपर बात करते हैं। फिर इकबाल ने साथ में एक विजन भी दे दिया कि भाई कौन सा सिस्टम होगा, आगे चलेंगे डिटेल से देखेंगे कि कौन सा वाला विजन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोहम्मद इकबाल जो है वो यहाँ तक रहता है, लेकिन नजरिए को जिस बंदे ने जमीन से उठाया और आसमान तक पहुंचा दिया वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश से 25%, आप पॉपुलेशन का 25% हो, सिर्फ 25% होने के बावजूद पाकिस्तान ले जाना। 75% कांग्रेस है, और वो कांग्रेस है जनाब कि जो ब्रिटिश अगर इनकी बात ना माने तो हिंदुस्तान को आग लगा दें। देखें जहां जहां पे भी कांग्रेस पे प्रेशर आया क्या हुआ, बायकॉट कर दो। क्या आया, गांधी ने क्या कहा कि मैं जी भूख हड़ताल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा भाई, क्योंकि पता है मेरे पीछे 75% लोग खड़े हैं, एक इशारा करूंगा तो सारे का सारे इंडिया को जला के राख कर देंगे। अब 25% है, 25% वाले अलहदा मुल्क मांग रहे हैं, 75% वाले अलहदा उन्हें देते हैं। लेकिन ये वो बंदा था जिसने अपनी अकल से विजन से इसने कहा नहीं चलेगा भाई, लेके रहेंगे और लेके दिखाए। इस बंदे ने प्रैक्टिकल शेप की, इसने जो भी काम किए वो प्रैक्टिकल थे। अब वो क्या थे, देखो एक चीज याद रखना, इंटरव्यूज में वंस अगेन और रिटर्न में बड़ी गलती करते थे वो। ये बंदा था प्रैक्टिकल शेप देने वाला, ख्वाब देखने वाला फिलोसफर इकबाल था, जर्मनी के बड़े आला पाए के प्रोफेसर से पढ़ा हुआ बंदा था, उसने बहुत ग्रेट जो है वो अपनी रिसर्च की हुई थी। अब मोहम्मद अली जिना जो है वो डेडिकेशन से यहाँ पे काम शुरू होता है। मोहम्मद अली जिना जो है वो जब कांग्रेस में ये पॉलिटिक्स में इंटर होता है तो वो बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ज्वाइन करता है। वजह इरादा ये था कि यार इंडिया के लिए कम से कम सेल्फ रूल होना चाहिए, और कांग्रेस में बड़ी रिस्पेक्ट बड़े ऑनर से मिला करते थे। जब तक मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद था, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेफर किया जाता था और फिर बाद में गांधी आता था दूसरे नंबर पर। लेकिन मुसलमानों को और हिंदुओं की पहले यूनिटी पे बात की, यूनाइटेड रहे, फिर बड़े करीब से देखा कि नहीं यार ये वाले मामला जो है वो नहीं हो पाएंगे। और ये लखनऊ पैक्ट पहली दफा अगर दो जमातों को, दो जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, मुखालिफ हैं, आज देखो ना बंगाली जो है वो होते और वो कहते हैं कि हमने अलग करना है बंगाल को, तो आप बंगालियों को और पाकिस्तानियों को एक टेबल पे ले आए जब वो कहें कि हमने अलग करना है, मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इतना विजनरी लीडर है कि 1916 में होने वाले लखनऊ पैक्ट पे इन दोनों बड़ी जमातों को एक ही शहर में जलसा करवा देते हैं, एक ही शहर में ले आते हैं। इसी वजह से इनको फिर एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हजूरे वाला जब आप एम्बेसडर होते हो, जब आप दोनों जमातों के अंदरूनी हालात को देख लेते हो ना, फिर आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। 1913 जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, बंगाई बनाई कहाँ पे गई थी, बंगाल के अंदर। लेकिन हजूरे वाला इसी की एक जमात जो है वो लंदन में बनाई जाती है। कौन वहां पे बनाता है, सैयद अमीर अली, बहुत बड़ा नाम है सैयद अमीर अली। कौन है सैयद अमीर अली, लंदन ब्रांच के मुस्लिम लीग को हेड कर रहे हैं। क्यों कि लंदन में मुसलमानों के केस को, क्योंकि सारे के सारे फैसले जो हैं वो तो इंग्लैंड से होने हैं ना भाई, ब्रिटिश है, वहां से पार्लियामेंट से फैसले आएंगे, हिंदुस्तान पे तो सिर्फ लगेंगे। तो ये हमारे पास बहुत अजीम नाम, बड़ी कुर्बानियां, आगे चल के हम बात करेंगे। अब इस बंदे ने बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये क्या चक्कर है, क्या गेम चल रही है यार, कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है मुसलमानों के साथ। 1885 में जब मिस्टर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की बुनियाद रखी, कांग्रेस तो कहती थी कि हम हिंदू और मुसलमानों की जमात हैं, और हैं भी, थी भी। आगाज में कांग्रेस ने सारे के सारे वो काम किए जो मुसलमानों के लिए भी बेहतर थे और हिंदुओं के लिए भी बेहतर थे। यही बात है, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बहुत डैमेज किया मुसलमानों को। क्यों डैमेज किया, असल में कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों का जो कांग्रेस के साथ तआवुन में आखिरी कील साबित हुआ वो 1935 के इलेक्शन से कांग्रेस आ जाती है। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था और मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान किसने बनाया, जरा मुझे बताइएगा पाकिस्तान किसने बनाया, किसने बनाया जी पाकिस्तान, एक आसान सा सवाल क्वेश्चन हम अपने बचपन में पहली जमात के बच्चों से पूछते हैं, पाकिस्तान किसने बनाया।
वो जवाब देते हैं। बताइए जरा, पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान बच्चे ही बताएंगे किसने बनाया, मोहम्मद अली जिना ने बनाया। लेकिन भाई पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग ने बनाया, और मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया तो ये तो हिंदुओं ने, कि हिंदू जो है वो जब अपने सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ज्यादा प्रेजुडिस रखते हैं, एक जॉन्डिसाइड आई से देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि फिर बनता। तो पाकिस्तान अगर हिंदू जो है वो मुसलमानों को ना तंग करते तो ना बनता। मोहम्मद अली जिना अकेले तो पाकिस्तान नहीं बना सके, मुस्लिम लीग तो नहीं बना सके, ये पाकिस्तान तो बनाया हिंदुओं ने। और अगर हिंदू नहीं तो आप के अजीज की किताब देखिए, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, Chapter 1 में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस ऐसा ऐसा 1935 में आती है और मुसलमानों का सारे का सारा कोटा सिस्टम, कॉलेजेस में दाखले, सब चीजें बंद करते हैं। अब जनाब हजूरे वाला, जब तक किसी के मुआशी हालात खराब नहीं होते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आज दुनिया में हमें कोई मुंह नहीं लगाता है। वजह क्या है? आपके पास फाइनेंस नहीं है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वजह क्या है? फाइनेंस है। कश्मीर का स्टेटस एब्रोगेट कर दिया, कोई बात नहीं। हिंदोत्तर स्टेट बन गई, कोई बात नहीं। राम टेम्पल का इफ्तिताह हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलेगा। क्यों भाई? चौथी बड़ी इकोनॉमी है। आज क्यों गजा के अंदर 32,000 से ज्यादा जो है वो मुसलमान शहीद हो गए हैं, क्यों नहीं सऊदीया बोलता? क्या वजह है? सऊदीया क्यों नहीं बात करता? फोर्थ भतीजा, फोर्थ की कैटेगरी में आ रही है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि जितनी तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है, ये तो बढ़ता हैरत में डाल रहा है दुनिया को, जैसे कभी चीन ने की थी। आज क्यों नहीं सऊदी अरेबिया बोलता? क्यों नहीं जो है वो बहरीन बोलता? क्यों नहीं कतर बोलता? हजूर, इकोनॉमी, जब तक इकोनॉमी जो है वो महफूज है, किसी को कुछ नहीं होगा। आप इकोनॉमी को डिस्टर्ब करें, सबके सब सड़कों पर आ जाएंगे। भाई यही बातें हैं। 1935 में कांग्रेस की हुकूमत आती है और कांग्रेस तो आके मुसलमानों के इकोनॉमी सारे के सारे जो मसाइल हैं उनको बढ़ा देती है। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद अली जिना जो है उन्होंने देख लिया, जिना साहब ने, और 1929 में होने वाली ये नेहरू रिपोर्ट, ताल्लुकात जो है वो एक अलहदा से खत्म हो गए। सो जी, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, इसमें जो बंदा हमारे पास सबसे काम का है वो है मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना जिसने कहा कि भाई बात यह है कि ये कौम, जिस जिसकी कौम की तुम बात करते हो ना, ये लोग मुख्तलिफ हैं भाई, ये एक एक साथ नहीं रह पाते हैं। 712 से लेके अगर 1857 तक ये लोग इकट्ठे नहीं रह पाए ना, तो यकीन करो ये इससे आगे भी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। इन लोगों को बदलना पड़ेगा, और अगर तुम बदलना चाहते हो तो कुछ बातें माननी पड़ेगी। और वो क्या है? वो हमारे पास ये है, उन्होंने कहा कि ये सेम टाउन में रह सकते हैं, विलेजेस में रह सकते हैं, नेबरहुड में रह सकते हैं, लेकिन ये कभी एक कौम नहीं बनेंगे, ये सेपरेट एंटिटीज हैं। ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से ना सिर्फ मुख्तलिफ हैं, बल्कि इनकी तहजीबो तमद्दन सारे का सारा काम मुख्तलिफ है। और मोहम्मद अली जिना की कोट हम हर जगह मेंशन कर देते हैं कि मोहम्मद अली जिना ने बताया था कि उसी दिन बन गया था जिस दिन पाकिस्तान, तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला मुसलमान जो है, जो हिंदू है वो मुसलमान हुआ था। उसका मकसद क्या है, मतलब क्या है? तो जनाब हजूर वाला, ये कल्चर, सिविलाइजेशन, तमदन, हर चीज में हम उनसे मुख्य। जी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बताइएगा, पता चल रहा है यहाँ तक जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं? कुछ तो समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? मेरा मानना है कि हिस्ट्री को, तारीख को, जब तक आप कनेक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ते हो ना, तब तक आपको वो चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं। तो हमें हिस्ट्री को एक कनेक्टिव वे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, मोहम्मद अली जिना जो है वो, मोहम्मद अली जिना शुरू शुरू में कोशिश करता रहा। क्या कोशिश रही? कोशिश यही रही कि जनाब दोनों की दोनों जो कौमें हैं इनकी आपस में तरक्की हो सके, एक दूसरे के साथ तआवुन कर सके, काम जो है वो बेहतर हो सके। यहाँ तक कि हमें जो है वो फिर पता चलता है कि क्या ये जो पाकिस्तान जिसकी हम आज बात करते हैं, क्या ये एक दिन की प्रोडक्ट है? नहीं। क्या ये जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मोहम्मद अली जिना ने कहा था कि पाकिस्तान उस दिन वजूद में आया जिस दिन पहला मुसलमान हुआ था, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अगर हमने हिस्ट्री को ट्रेस करना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा?
जरा मुझे बता सकते हैं आप, पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाना चाहते हैं तो कितना पीछे जाएं, कहाँ तक हम पीछे जाएं तो फिर हमें पता चलेगा? इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे मोहम्मद बिन कासिम तक, 712 में। हजूरे वाला कुछ ऐसा हुआ था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अकेले ने पाकिस्तान नहीं बनाया, मुस्लिम लीग ने भी नहीं बनाया, हिंदुओं ने भी नहीं बनाया। हजूरे वाला पाकिस्तान के लिए कोशिश तो मुजद्दद अली सानी भी करते रहे। मुजद्दद अली सानी थे जिन्होंने जहांगीर को लिख दिया, खत लिखा कि ये जो जहांगीर तुम अपने नाम के साथ जिल्ले इलाही जहांगीर यूज करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नाम तो कभी प्रॉफिट ने अपने साथ नहीं यूज किया। इसमें तो शाह वलीउल्लाह का नाम भी आएगा, इसमें तो दादू मियाँ का नाम भी आएगा, तीतू मीर का नाम भी आएगा, इसमें तो हमारे पास फिर यहाँ पे नाम आएंगे, बड़े बड़े नाम आएंगे, उबैदुल्ला सिंधी का नाम आएगा। तो भाई आइडियोलॉजी तो अब हमें समझ में आ गया कि जब आपके हकूक को दबाया जाता है तो तब आप एक यकजा हो जाते हो, तब आपको लगता है कि मैं अलहदा से निकलूंगा। इस्लाम की हिस्ट्री ये है कि इस्लाम एक लिबरल मजहब है, एक लिबरल रिलीजन है, और जब मैं लिबरलिज्म की बात करता हूँ तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हजूरे वाला जिसने अपनी लिबरलिज्म को प्रूव किया। अब यहाँ पे फतवा देने वाले फतवा दे देते हैं कि ला हौला वला कुव्वत इस्लाम कैसे लिबरल हुआ। भाई इस्लाम से ज्यादा आजाद मजहब और कोई नहीं है। देखो 712 में आता है मोहम्मद बिन कासिम, इन्वेडर है, अटैक करने वाला है। लेकिन क्या बात है यार, इन्वेडर है, अटैक करने आता है, बंदा जाता है, मुकामी लोग धाड़े मार मार के रोते हैं। वो कहते हैं नहीं, हिस्ट्री में, तारीख में, आज का अगर हम हिंदुस्तान एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास हजरत उमर फारूक के दौर से जो है यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए थे, हजरत उमर के दौर से 634 तक। हजरत बिलाल हबशा जो हैं उनके बहुत सी नस्ल के लोग यहाँ पे आबाद भी हो गए। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े किए तो एक छोटे सी सल्तनत का बादशाह जिसका नाम किरण नूर था वो देख रहा था, मौजजा देखा तो सरवरे कायनात की खिदमत में पेश हो गया, कहा कि हजूरे वाला मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो पहले इस्लाम तो उससे पहले आ चुका था, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले का इस्लाम आया हुआ यहाँ पे। बहरे क्या, हम लोगों को जो इस्लाम पता चलता है वो पता चलता है तब मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम जब आता है, कहानी दो तीन है यहाँ पे। राजा दाहिर हम लोगों का जो हम लोगों में से था, जो हम जैसा था, नॉन अरब था, राजा दाहिर था। जनाब ताजिर आते हैं, तजारत करते हैं, सामान लेके जाते हैं। राजा दाहिर की सल्तनत में कुछ डाकू थे, सामान को लूटना शुरू कर देते हैं। उमैया डेंसिटी का उस वक्त टेन्योर था, रूल चल रहा था। अब की दफा हमारे पास गवर्नर ऑफ इराक उन दिनों हजाज बिन यूसुफ था। हजाज बिन यूसुफ जो है उसको खत मिलता है एक दिन, नहीद खत उनका नाम है, खत लिखते हैं कि हजाज तुम मुसलमानों के गवर्नर क्या खाक के हो कि तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को राजा दाहिर ने जो है वो बंदी बना रखा है और तुम वहां पे बैठे मजे कर रहे हो। जनाब हजाज बिन यूसुफ का पारा अप हो गया, बैक टू बैक दो जो है वो काबिल तरीन जर्नैल भेजे, लेकिन नहीं, दाहिर ने कत्ल कर दिया। पायलट्स जो हैं वो बड़े एक्सपर्ट थे, फिर जो है वो भेजा मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम को बताया, और जब लेटर आया वो हजाज, व्हेन हजाज हर्ड ऑफ दिस ही एक्सक्लेम्ड हियर आई एम आई। तो जब नहीब का खत मिला तो हजाज ने कहा आने, और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था, मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाके कुचल दो राजा दाहिर को। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उसने आके वही यार इन्हें छोड़ दो, अपने सरेंडर कर दो। राजा दाहिर ने कहा तुमसे पहले भी दो लोगों को कत्ल किया, अगर तुम्हें लगता है तो आ जाओ, फिर मुकाबला हो सकता है। बहर क्या मोहम्मद बिन दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने राजा दाहिर को कत्ल किया, और अब की दफा यहाँ पे सेटल हो गए। इस्लाम एक लिबरल रिलीजन है हजूरे वाला, ये हर कल्चर के अंदर एडजस्ट हो जाता है। एक IH कुरैशी अपनी किताब में लिखता है कि इस्लाम की एक अपनी कुव्वत है और वो कल्चरल फोर्स है, कल्चरल फोर्स है। आयान टेलबर्ट अपनी किताब के अंदर लिखता है कि जो पावर इस्लाम के पास है कैसे कल्चरल फोर्स है। दो तीन इंटरव्यूज में
तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया जनाब, ये कल्चरल फूड से क्या मुराद है, ये क्या हुई? देखो भाई, मुसलमान ताजिर आए, इस्लाम को फैला रहे हैं। इस्लाम किसी भी मजहब से, किसी भी कल्चर से कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाता। जैसे इस्लाम हर कल्चर को, हर एक कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, फौजी आते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये ना तो रेपिस्ट हैं, ना ये रेप करते हैं, ना ये लोग जो हैं वो कत्ल करते हैं, लोकल लोगों को तो ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम इनके अपने बंदे हैं, जजिया लेते हैं सर। और वो एक ऐसा मुआशरा जो पहले ही क्लास सिस्टम में था कि तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू खस्तरी है, ये है, ये है। यहाँ पे सारे के सारे टैक्सेस खत्म होता है और एक ही टैक्स है, वो कौन सा वाला टैक्स है? जजिया देना और उसके बदले हिफाजत करनी। अब ये है इस्लाम के लिबरल होने का पहला सबूत। देखो मोहम्मद बिन कासिम क्या कोई दीन का मुबल्लिग था? नहीं। क्या था? सिपा सलार था। लेकिन क्या करते हैं? इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाता। देखो इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। एक और बात, शरिया को लॉन्च करता है। तो दूसरे मजाहब आप जब उठा के देखते हो, क्रिश्चियनिटी है एक खास डोमेन में काम करती है, ज्यूइज्म है एक खास डोमेन में काम करती है, बुद्धिस्ट हैं, भाई उनके मजाहब फैलाने वाले अपने अपने लोग हैं। ये इस्लाम की कुव्वत है कि सिपा सलार भी इस्लाम फैला रहा है, ताजर भी फैला रहा है, दुकानदार भी फैला रहा है, क्रिकेटर भी फैला रहा है, सारे के सारे लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आता है और यहाँ पे इदारों को कायम करता है, वापस चला जाता है। वो एक अलहदा कहानी है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो वापस जाता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी आइडल ब्रेकर। महमूद गजनवी ने सारे के सारे वो टेम्पल्स नहीं तोड़ दिए, वो वाले सारे के सारे जो हैं वो बुतकदे नहीं तोड़ दिए कि जिन बुतकदों से उसे लगता था कि यहाँ पे सिर्फ इबादत होती है, वही तोड़े जिनके अंदर या तो बहुत ज्यादा दौलत थी या वहां से महमूद अफ गजनवी के खिलाफ साजिशें होती थी। उसके अलावा कोई नहीं तोड़ा, किसी किस्म का काम नहीं किया। अब जी इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। जब इस्लाम तेजी से फैलता है ना, तो अब इस्लाम दो डोमेन्स में, दो जो है वो जगहों में दाखिल हो जाता है। हजूरे वाला याद रखिएगा कि इस्लाम का मोहम्मद बिन कासिम के बाद दो तरह के टेन्योर आता है। इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ, लेकिन इस्लाम के फैलने के साथ साथ अब की दफा एक और काम होना शुरू हुआ। हिंदू जो लोकल लोग थे, अब वो बड़े कॉन्शियस हो गए इन चीजों को लेकर। क्यों कॉन्शियस हो गए भाई? इकट्ठे इतने लोग इस्लाम को कबूल करना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली आप लोगों का तो खात्मा हो जाएगा, हिंदुइज्म तो चली जाएगी ना। अब की दफा क्या हुआ? हिंदू, देखो हिंदू जो लोग हैं ना, ये धर्म पे यकीन रखते हैं, ये करामात का मजहब है। अगर हिंदुइज्म में से आप लोग करामतें निकाल दो ना, तो बाकी कुछ नहीं बचता है। नहीं, रामायण पढ़ के देख लो, महाभारत पढ़ के देख लो, क्या है हमारे पास रामायण में, महाभारत में क्या चीजें हैं? सिर्फ करामत है। बुजुर्गों ने महसूस किया कि यार ये हिंदू लोग हैं, इन लोगों को इस्लाम का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब की दफा हमारे पास एक ही चीज नजर आती है। ये बुजुर्ग आते थे यहाँ पे, और आने के बाद एक बुलंद टीला देखा करते थे। यहाँ पे अजूरे वाला इस टीले के ऊपर अपना डेरा लगा देते थे, इस्लाम के परचम लगा दिए, सब्ज परचम, सफेद परचम जो है वो यहाँ पे लगा दिए। अब लोग जो है वो यहाँ से देखा करते थे कि अच्छा यार यहाँ पे कोई चीज है, तो वहां पे जाना। अब यहाँ पे क्या मिलता था? बुजुर्ग लव, यहाँ पे इन लोगों को मील खाना दिया करते थे, और वैसे मुसलमान सपोर्ट किया करता था। और लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये मिथ है, ये करामात पे यकीन रखते हैं, तो यहाँ पे फिर जब बुजुर्ग आते हैं तो अपने नाम से ज्यादा करामात की वजह से मशहूर हो जाते हैं। नहीं तो बाबा फरीद शकरगंज। कौन था? ना तो ये बाबा फरीद था और ना शकरगंज, असल नाम तो बाबा जी का मसूद था, मसूद नाम था। भाई मसूद जो है ये तो एक बच्चा था जो पैदा हुआ था हमारे पास उस्मान और कुर्सम बीबी के घर। तो शकरगंज क्यों? क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड थी, करामात को माना करते थे। जब करामात को मानेंगे तो फिर बुजुर्गों से जो करामात वाबस्ता थी, अब देखा।
अब लोग और जोक दर जोक जो है वो यहाँ पे दाखिल होना शुरू हो गए इस्लाम में। अब इस्लाम का झंडा और तेजी से फैलना शुरू हो गया, करते करते यहाँ पे कवाली भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई, कवाली भी होना शुरू हो गई। इस्लाम का पहला टेन्योर जो था हिंदुस्तान के अंदर, इसमें लोगों को मोहब्बत से करीब लाया गया, लेकिन करीब लाने से ज्यादा उनको रिटेन करना इम्पोर्टेंट था, फिर उनको रिटेन किया गया। अब आप कहेंगे कि सर खाना तो पहले भी देते थे, दिवाली को उठा के देख लीजिए, दिवाली पे हिंदू खाने देते थे, राम रामायण बर्थडे इन मौकों पे लंगर बांटा करते थे, तो बुजुर्गों ने कौन सा कारनामा कर दिया। यहाँ पे लंगर शूद्रों के लिए होता था अलहदा से, ब्राह्मणों के लिए अलहदा से, खुशसरी के लिए अलहदा से, जी सूफीज़म, लेकिन यहाँ पे सबके लिए लव फड़ाओ, लव फड़ाओ। आप बुजुर्गों को इन सूफियों को उठा के देखें जरा, बाबा फरीद चक्करगंज वाले क्या करते हैं, मोहब्बत का प्रचार करते हैं। तो अब यहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। इस्लाम में मुख्तलिफ राइटर्स भी आते हैं। अब जब इस्लाम फैलता है ना, तो इस्लाम जो है अल्लाह ताला की जात ने इस्लाम को ऐसी लचक दी है कि जो इस्लाम की तरफ आता है उसका दिल माइल होता चला जाता है। एक क्विकली इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि जनाब हिंदुइज्म तो बढ़ता हैरत में चला गया, अभी होगा क्या। उस दौर के अपने अपने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, बहरे का बात आगे चलती है। ये उसी जमाने के जो है वो बुजुर्ग थे, ये हमारे पास जो है वो राम नंदा गुरु नानक, गुरु नानक पैदा होता है 1469 में और इसकी डेथ होती है 1538 में। कौन था, मोहब्बत का प्रचार करने वाला बन। फिर मजहब जो है वो, अच्छा इन्हीं चीजों को इस्लाम अब तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। अब ये लोग जो है वो इस्लाम को रोकने के लिए मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं। पहली मूवमेंट थी भक्ति मूवमेंट। अब जब मुसलमान इन चीजों को देखते हैं, भक्ति मूवमेंट क्या थी भाई, ये जो सूफिया आए बुजुर्ग आए इन्होंने तो बड़ी तेजी से लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, अब इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। पहली मूवमेंट आती है भक्ति मूवमेंट, भक्ति भगत से है, भगत लव ब्रदरहुड, के भाई देखो हम जो हैं वो ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। तुम लोगों का कोई भी मजहब है, क्या राम है, क्या रहीम है, कुरान है, प्राण है, काशी काबा सब एक हैं, हमारी तरफ आ जाओ। मकसद कि जनाब ये तो इस्लाम खतरे में डाल रहे। ये बातें जब लिखी गई, ग्रेट, ये बातें जब लिखी गई, एक लोकल राइटर ने लिखा कि जनाब इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो इसके ऊपर शाह वलीउल्लाह लिखते हैं अपनी हुज्जतुल बालिगा किताब में कि बेशरम इंसान, ये तुमने क्या बात लिख दी कि इस्लाम खतरे में पड़ गया, तुम तो वाजिबुल कत्ल कत्ल हो। क्यों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नख्नु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, इस्लाम कैसे खतरे में पड़ सकता है, इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कोई एक भी मुसलमान ना रहे तो अल्लाह को कोई परवाह है नहीं। अगर दुनिया में सबके सब मुसलमान हो जाएं तो वो उस ज़ात का काम है, तुम सब लोग मिलके भी उस ज़ात को कुछ नहीं दे सकते, और तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। लेकिन हाँ ये कह दो कि मुसलमानों का तशख्खुस खतरे में पड़ा, हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में पड़े। अब हजूरे वाला जब इस तरह की मूवमेंट्स लॉन्च होती है और रही सही कसर दिखा देते हैं, अकबर साहब दीने इलाही को लॉन्च करते हैं। अकबर कौन था, 1526 में जनाब आते हैं जहीरुद्दीन बाबर साहब। अब बाबर जो है, बाबर तो चला जाता है जल्दी 4-5 साल के बाद, 1530-31 में आ जाता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं अयाश परस्त बंदा, कभी कोई कोई शराब पी ली, कभी कुछ कर लिया। उसके बाद आता है अकबर, एक ही सोच, एक ही धुन, एक ही नशा, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को अपना बनाना है, चाहे उसके लिए मुझे मजहब का चूर्ण बेचना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सारा हिंदुस्तान चाहिए। देखिए जी लालच है, बादशाहों को इलाकों का लालच होता है। 1602-3 में ये ख्वाहिश पैदा हो भी गई, पूरी कर ली, लेकिन जो मुसलमानों का तशख्स था हिंदुस्तान में वो खतरे में पड़ गया। तो जनाब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तशख्स कोई मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं आके बताया, ये तो उससे पहले था। तो तब हमारे पास फिर बड़े बड़े नाम आते हैं, और फिर नाम आते हैं मुजद्दद अलिफ सानी। मुजद्दद अलिफ सानी एक ऐसा बंदा जिसका असल नाम शेख अहमद सरहिंदी था,
उन्होंने देखा कि यार मुसलमान तो गुमराह हो गए हैं, ये अकबर ने कैसी हरकतें शुरू कर दी हैं कि अकबर ये तुम क्या बातें कर रहे हो। और शेख अहमद सरहंदी कोई आम बंदे नहीं, सिलसिला नसब हजरत उमर बिन खत्ताब से जाके मिलता। ख्वाजा बाकीउल्लाह बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, उनके जो है बहुत बड़े डिसाइपल शगीर, इतने बड़े नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला के, उनका नाम अगर कहीं पे लें तो लोग अगर चलते हो तो रुक जाते थे, रिस्पेक्ट ऑनर। और मुजद्दद अली सानी भी वही, मुजद्दद अली सानी रिफॉर्मर। देखो जी, जो रिफॉर्मर होता है ना, वो किसी से डरता डरता नहीं है, उसका काम होता है रिफॉर्म करना, उसका काम होता है तब्दीली लाना। वो उसकी बातें सख्त होंगी, याद रखिएगा उसकी बातें सख्त होंगी लेकिन बातें कान वाली होंगी। मुजद्दद अली सानी ने भी ऐसा ही किया। अब मुजद्दद अली सानी जो है वो लेटर्स लिखता है अकबर कि भाई ये तूने क्या काम किया, 1564 में पैदा होता है सर, इन सबको भी इस्लाम तरफ के कायदे से पाकिस्तान पर दोनों को कंक्लूड कैसे करने पड़ रही है। जी मैं बताता हूँ कि जिना के बारे में तो कहा जाता है कि जिना को कुछ लोग को इंतहा के जो है वो सेकुलर हो जाते हैं, कहते हैं जिना तो अथीस था, कुछ कहते हैं जिना शिया था, कुछ कहते हैं जिना सुन्नी था। तो भाई इन सब का क्या मतलब था, तो जिना साहब ने क्यों किया, आगे चल के इनको भी देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, शेख अहमद सरहंदी जो है ये अब देखते हैं, शेख अहमद सरहंदी साहब जो है वो सियालकोट की सरजमीन याद रखिएगा, बड़ी जरखेज सरजमीन रही है। इकबाल जैसे लोग हैं, शेख अहमद सरहंदी जो है वो इनके टीचर्स सियालकोट से थे, बहुत एंशियंट जो है वो सिटी था। अब जनाब शेख साहब अपनी किताबें लिखते हैं, वो बताते हैं कि जनाब ये जो जितनी बातें ये कर रहा है अकबर फजूल है, बकवास है। अब की दफा लेटर्स लिखना शुरू करते हैं, लेटर्स लिखने के साथ साथ जो है वो बताते हैं कि जनाब अकबर ये जो तुम दीन इलाही कर रहे हैं ना ये गलत है, खत्म कर ले, मतलब बहुत गलत कर रहा है। मुसलमानों को बताते हैं एक सारी के सारी मुकम्मल तौर पे रिफॉर्मेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, किताबें लिखते हैं, इत्तबात सुन्ना की तरफ लेके आते हैं कि अकबर जो दीन इंट्रोड्यूस करवाया है वो गलत है। हजूर वाला ये बातें कहना बड़ी आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बादशाह वक्त के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाना, और जब आपको पता हो कि बादशाह वक्त जो है वो पूरी की पूरी पावर में है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सारी की सारी चीजें जो है वो, फिर अब शेख साहब जो है वो खत लिखना शुरू कर देते हैं। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं, मुख्तलिफ किस्म के नोबल्स को खत लिखते हैं कि तुम लोगों की हकूमत है, अफगानिस्तान में खत भेजते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में खत भेजते हैं कि तुम लोगों को अल्लाह तआला की जात का नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे करीब जो है वो इस्लाम के साथ इस तरह का ये मजाक कर रहा था अकबर, तो तुम लोग जो है वो ये कर रहे थे। तीन लेटर्स लिखते हैं जहांगीर को, जहांगीर को बताते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बाप ने एक मजहब इंट्रोड्यूस करवाया और तुम गलत, तुम जानते हुए तुम्हारे पास कॉलेज मौजूद है, तुम इसको प्रमोट कर रहे हो। जहांगीर ने इस बात का गुस्सा कर लिया। जहांगीर जो है उसने कहा कि जी पकड़ लें जी, शेख अहमद साहब को पकड़ के लेके आए। हिंदू थे, हिंदुओं ने कहा जी ये कंट्री के अंदर जो है वो अनरेस्ट करना चाह रहे हैं, ये कंट्री के अंदर जो है वो फसाद पैदा करना चाह रहे हैं। जहांगीर साहब को, जहांगीर ने बुलाया शेख अहमद सरहंदी को, उन्होंने कहा मैं भी कलमा गो हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा जी नहीं। अब की दफा एक हिंदू पास से बोला कि जहांगीर साहब जब ये कोर्ट में आया तो इसने आपको सजदा भी नहीं किया। जहांगीर को और तब चढ़ गई कि मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं एक ऐसा बादशाह हूँ कि जिसको सारे के सारे हिंदुस्तान है, तो ये क्या बात हुई। शेख साहब ने कहा जी मैं तो नहीं करूंगा। बहरे क्या कुछ आलिम वहां पे दरबार में खड़े थे, उन्होंने जहांगीर को भी समझाया कि भाई सजदे वाली बातें जो है वो इसके ऊपर बाज आ जा, पूरे का पूरा हिंदुस्तान है, मुसलमानों को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। खैर जहांगीर ने कहा कि ठीक है, बाद में फिर जो है वो इन्हें शेख साहब को बंद कर दिया जेल के अंदर। एक दो साल के बाद समझ आ गई, 2 सालों के बाद जो है वो शर्मिंदा भी हुआ, बात भी समझ में आ गई, कुछ दीन इलाही की बातों को भी जो है वो रिवर्ट बैक किया लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं किया। अब अधूरे वाला जो टू नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये तो शेख अहमद ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, शेख अहमद का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया कि भाई मुसलमान जो हैं वो एक नहीं दो हैं, दो जो है वो बरसगीर के अंदर रहने वाले। देखो जो नाम है ना, इकबाल ने यही बात कही थी कि ये सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक जजीरा, सब कॉन्टिनेंट
जिसके अंदर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। तो कांग्रेस क्यों कहती है कि ये एक ही है भाई, ये मुख्तलिफ है। उन दिनों में, जिन दिनों में शेख अहमद सरहंदी थे, उन्हीं दिनों में एक और पर्सन भी इंट्रोड्यूस होता है। कुछ मुसलमानों ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया और उनमें से था इब्ने अरबी। इब्ने अरबी एक नजरिया इंट्रोड्यूस करवा देता है और वो होता है जी वहदतुल वजूद। क्या नजरिया है सर? इब्ने अरबी तो बड़ा काम का बंदा था, कई किताबें लिखी, फजलुल अहकाम के नाम से लिखी, बहुत जबरदस्त उसने किताबें लिखी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक फजूल किस्म का बंदा था? जनाब एक नजरिया इंट्रोड्यूस करवाता है और वो नजरिया ये था कि देखो अल्लाह हर जगह मौजूद है, पेंसिल में भी अल्लाह, सूरज में भी अल्लाह, चांद में भी अल्लाह, हर जगह अल्लाह मौजूद है। अकबर को बताया, जहांगीर को बताया, तो इसने तो नजरिया दिया अपने अरबी ने। वहां पे दरबार में अबुल फजल और फैजी जैसे लोग मौजूद थे, कहने को मुसलमान लेकिन शैतान भी उनसे पनाह मांगे। उसने कहा जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो बादशाह के अंदर अल्लाह मौजूद नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान पाक में नहीं कहा हुआ कि मैं तो इंसान की शारक से भी ज्यादा करीब हूँ? हाँ यार, बात तो तुम्हारी वाली ठीक है, तो बस इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह हर चीज में मौजूद है तो बादशाह के अंदर भी तो अल्लाह ही है, बादशाह को भी सजदा जायज है, सजदा हुआ करेगा। हाँ यार, ये बात तो ठीक है। तो ये नजरिया तब से प्रमोट हुआ। शेख साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म को हाथ मारो, किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब की सब बातें जो है ना, ये जो तुम वहदतुल वजूद कहते हो कि अल्लाह हर चीज में, वो है, हम मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन भाई जब तुम विजडम के उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि तुम्हें हर चीज में अल्लाह नजर आना शुरू हो जाता है, मंसूर को अनाउल हक कहने पे बाद में फांसी भी लगा दिया गया, वजह क्या थी? अब अल्लाह तो मौजूद है, वजह यह है कि वो समझ नहीं पाए। तो भाई ये जो है, इसके मुकाबले में नजरिया वादतुल शहूद है। वादतुल शहूद क्या है? कि भाई क्रिएटर एंड क्रिएचर, बनाने वाला और जो चीज बनाई गई है, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, लेकिन ये जो चीजों के अंदर तुम बता के उसको सजदा कह रहे हो, ये तो कल को तुम बुतों को सजदा करना शुरू हो दो। अब ऐसे नहीं चलेगा। बात आगे बढ़ती है जी। शेख अहमद सरहंदी जो है वो, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बड़ा काम का बंदा था, बड़ी जबरदस्त काम करते हैं। एक ऐसा बंदा जिसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। एक वक्त था कि जहांगीर भी कांपना शुरू हो गया था जब उसे पता चला कि यार ये इतना पावरफुल बंदा है जिसको वाकई जब से मैंने इम्प्रिजन किया है मुल्क के अंदर हालात खतरनाक होना शुरू हो गए। जहांगीर 1940 के अंदर, सॉरी 1940 कहाँ आ गया जहांगीर, तो ये कहीं 1540 की बातें हैं। 1540 के अंदर जहांगीर जो है शेरशाह सूरी सर उठाना शुरू हो गया और जहांगीर को निकाल दिया। जहांगीर निकल गया, शेरशाह सूरी ने 5 सालों में ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जहांगीर सोच में पड़ गया ये था क्या। अब उसने देखा कि यार मैंने कुछ उलमा कराम जो है वो इनके शान में कुछ साखे किया। बाद में ये जब जाता है तो खैर कहानी आगे बढ़ती है। बहरे कैफ मुजद्दद अली शानी जो है एक ऐसा बंदा था जिसने कमाल की जो है वो बातें की, कमाल के काम किए, कमाल के कारनामे किए। बादशाह वक्त जो है वो उसका गुस्सा, उसका जो रौथ था वो अपने अपने लिए ले लिया, लेकिन इस्लाम की खातिर। खैर 1626 में शेख अहमद सरहंदी तो चले जाते हैं, लेकिन एक और बंदा जो है वो इस्लाम को मिलता है, शाह वलीउल्लाह। क्या कमाल का बंदा जी शाह वलीउल्लाह। नहीं यकीन तो हुज्जतुल बालिगा उठा के देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि कार्ल मार्क्स से भी जो बड़ा नाम है ना जी, वो है जी शाह वलीउल्लाह। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि आप डायस कैपिटल किताब उठा के पढ़ें और शाह वलीउल्लाह को उठा के पढ़ें। जो सिस्टम, जो बातें शाह वलीउल्लाह ने बहुत पहले बता दी कहीं 1703 में, वो कार्ल मार्क्स आके बता रहे हैं हमारे पास 1830 के करीब। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1888 तक, शाह वलीउल्लाह कहीं पहले 1703 में पैदा होते। अब हजूरे वाला बहुत बड़ा नाम, शाह वलीउल्लाह जो है वो जब आते हैं 21 फरवरी 1703 को पैदा होते हैं, इंडिया के हालात तो वाकयात बड़े खतरनाक, बड़े खराब हैं। अब ये सिचुएशन ये थी कि औरंगजेब आलमगीर बड़ा स्टॉन्च किस्म का बादशाह हुआ करता था, बहुत किस्म का स्टॉन्च किस्म का बादशाह, बड़ी सख्त किस्म की बातें जो हमें लगा रखी थी इस टाइम, मुसलमानों के हक में था लेकिन गैर मुस्लिमों को इसने ठीक ठाक लटका के रखा था। शाह वलीउल्लाह जो है देखता है कि
मुसलमान जो है वो हर जगह पे मौजूद हैं, सारे के सारे मामला एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ प्रॉब्लम थे, और वो प्रॉब्लम थी मुसलमानों के लिए सोशल कंडीशंस। वो के जो हमारे पास शेख अहमद सरहंदी हैं, उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की और बहुत चीजों को उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो चीजें रच बस जाती हैं वो एक दिन में तो नहीं जाएंगी। अकबर का दीने इलाही, बादशाह का फरमान जितनी तेजी से फैल सकता है, किसी अल्लाह वाले का फरमान तो वहां पे नहीं फैलेगा ना इतनी तेजी से। उस ये कौन सा सोशल मीडिया का दौर था जिसमें अकबर की एक जो है वो पोस्ट पे सारा हिंदुस्तान जो है वो काम करना शुरू हो जाता। तो बुजुर्गों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। मुगल तो चला गया, अकबर चला गया, जहांगीर चला गया, लेकिन बाद में जो सिस्टम था इलाके का सारे का सारा, वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। अब इन लोगों को रिफॉर्म करने की जरूरत थी। देखो, मुजद्दद अली थानी जो है ये वो बंदा था जिसने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था, जिसने बताया था कि अकबर को कि भाई अकबर तूने गलत किया। बाद में जहांगीर को भी बताया कि तू गलत कर रहा है। शाह वलीउल्लाह वो बंदा है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। शाह वलीउल्लाह वो बंदा था कि जिसने उस मुआशरे को ठीक करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि यार यहाँ यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है। अब इस बंदे ने जो है वो मुसलमानों की सोसाइटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो नजरिए पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले जनाब बहुत टॉप के बंदे आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे सैयद अहमद शहीद बरेलवी, एक शानदार आदमी। शाह वलीउल्लाह जो है वो इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज, एक रात इनका खुतबा सुन लेते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी, खुतबे से इतने मुतासिर होते हैं कि जनाब वहां के हो जाते हैं। सैयद अहमद शहीद तो मुसलमानों का खोया हुआ मुकाम दिलाना, और इतना जबरदस्त बंदा था कि इसने सिखों के साथ लड़ाई करके एक जंग लेके एक इलाके को फतह भी कर लिया। सो शाह अब्दुल अजीज जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, उनकी लेगेसी को आगे लेके चलता है। अब हजूर वाला ये सब के सब लोग भी कंट्रीब्यूटर हैं, जंग लड़ते हैं, सैयद अहमद जो है वो तलवार उठाते हैं, आम बंदे हैं, कोई सूफी नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, खैबर पख्तूनख्वा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों, जबकि हमारे पास सैयद अहमद शहीद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो जुल्म तो हिंदुस्तान में हो रहा था ना, तो केपीके में जाके इन्होंने क्यों वॉर जो है वो शुरू कर ली। कोई बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जमीन वो जमीन थी कि जहाँ पे बात को फैलाना, जी हम सम अप करते हैं फ़याज़ साहब, जहाँ पे बात को फैलाना जो है वो आसान था, जहाँ पे लोगों को कन्विंस करना आसान था, लेकिन ये केपीके के लोग थे। बाद में सैयद अहमद शहीद को जहर दे के मारा। ये बंदा जो है, जी जी शेयर कर देंगे, ये बंदा एक ऐसा बंदा था कि जब बंदूकें टूटी, तलवारें टूटी, हाथों से लड़ना शुरू हो गए, सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया। सो जनाब मोहम्मद अली जिना, अल्लामा इकबाल से पहले की बातें भी, दूसरा फिराजी मूवमेंट, बंगाल की बातें, बंगाल के अंदर हमारे पास दादू मियाँ और उसके बाद जो है वो टीटू मीर, ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जिन्होंने वहां पे भी दादू मियाँ शरीयत को कायम करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, बल्कि ये वो बंदा था जिसने अपनी कोर्ट बना रखी थी दादू मियाँ बंगाल के अंदर। याद रखिएगा बंगाल बहुत खाते पीते मुसलमानों का मरकज था, याद रखिएगा बंगाल जो है वो टॉप के मुसलमानों का सेंटर था। ये 1906 में जो मुस्लिम लीग बनाते हैं, ये बंगाली बनाते हैं, ये बंगाली हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है, जब इन तमाम चीजों के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टीटू मीर का रोल आ जाता है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जी जिसने सबको हला कर रख दिया, और वो था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान टॉप का, क्या जबरदस्त बंदा है। पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है, 1867 का ऐसा झटका लगता है कि नहीं, तुम लोगों ने उर्दू हिंदी तनाजे को इतना बनाया कि उर्दू को खत्म करना है। 1861 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुसाखी होती है, अपना प्रिंटिंग प्रेस बेचता है, सब के सब चीजें बेचता है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती थी सर सैयद अहमद खान को, प्रिंटिंग प्रेस बेचता है, जाके लंदन जाता है, मुख्तलिफ रेफरेंसेस इकट्ठे करता है, उनका तर्जमा करवाता है फारसी में और उर्दू में, फिर इंग्लिश में जो है वो एक राइटर को हायर करता है और इस किताब का जवाब लिखता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुसाखी। फिर वहां से लेटर भेजता है मुसलमानों को, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स को, यार ये मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इस काज के लिए आया हूँ, तो भाई मुझे
पैसों की जरूरत है, भेज दें जरा। एक ऐसा बंदा जिसने जो है वो जनाब फील कर लिया कि यार मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये सर सैयद अहमद खान ही था कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस बंदे ने सारी की सारी चीजों को हिला के रख दिया था वो था सर सैयद अहमद खान। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान को, क्योंकि अगर हम ये प्रीवियस पेपर्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो मैंने एनालिसिस इनका किया हुआ है ये देखें जरा, सर सैयद के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा। तो अब हमें इन तमाम की तमाम चीजों को पता चलेगा। ये शाह वलीउल्लाह की खिदमत जो मैंने बताई ये इनको पढ़ें, इन तमाम चीजों को डिस्कस करें, देखें कि ये क्वेश्चन जो है वो 4-5 क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ से जरूर आ जाते हैं। ठीक है, कम अज कम 2-3 तो कन्फर्म है। अच्छा, अब हम जब आगे चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा मजीद, और फिर मैं इसे समअप करता हूँ। ये सर सैयद अहमद खान थे, शुरू में काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। 1859 में जो मदरसा कायम किया उसमें ये तो नहीं था कि भाई हिंदू जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, मुसलमान आ सकते हैं, मुरादाबाद में कोई भी आ जाए। लेकिन 1861 में जब शान में गुस्ताखी होती है, फिर और 1867 के बाद जितने भी इदारे हैं वो क्या था, मोहम्मदन के लिए। ठीक है, मोहम्मदन साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, मोहम्मदन जो है वो उनके लिए, मोहम्मदन ब्रिटिश मोहम्मदन कहा करता था। ये वो बंदा जिसने बताया कि हजूरे वाला 1857 में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, ये हिंदू भी शरीक के जुर्म थे, इन्होंने भी सारे का सारा काम खराब किया था, ये मुसलमानों के ऊपर इल्जाम है। अब सर सैयद अहमद खान ही वो बंदा था, एक ऐसा बंदा जिसके ना सिर्फ अपना आप बल्कि बच्चे, जिसको लोगों ने लिखने पे काम करने पे तमगा दे दिया यार ये बंदा जो है वो काबिल कत्ल है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाता है। सो सर सैयद अहमद खान को डिटेल से डिस्कस करते हैं। किताबों का नाम जी मैंने कहा था मैं इन पर बताऊंगा, मैंने 2-3 किताबें आपको बताई थी। पहला द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज है, नाम नोट कर लें जी, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज। कोई चैट बॉक्स में लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए आपने नोट कर लिया है और मैं आगे बोल दूँ। फिर जिना द स्पोक्स पर्सन बाय आयशा जलाल है, फिर पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट है, पाकिस्तान द न्यू हिस्ट्री है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस है, ये किताबें। और हामिद खान को भी देख लें, ये जो मैंने लेक्चर तैयार करने के लिए कंसल्ट किया मैंने ये 6 किताबें जो है वो की हैं, शाह वली उल्लाह का हुज्जतुल बाल का और कार्ल मार्क्स का द डेथ कैपिटल को मैंने देखा। ठीक है, और ये इकराम रबानी की किताब है। ये है जी हजूरे वाला सारी की सारी वो बातें। ठीक है, ये हैं वो चीजें जो कि आपको डिस्कस करनी है। ठीक है जी, ये चीजें हैं, इनको देखें डिटेल से। बाकी जो है वो कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को अपलोड भी करवा दें ताकि सब लोग जो है वो उसे देखें। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है जी, अदरवाइज डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो 2 घंटे की हमारी इंशाल्लाह क्लास चला करेगी, आज ये पहला लेक्चर था, आई एम श्योर कि बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और बहुत सी चीजें आपने डिस्कस की होंगी। यार मुझे नहीं पता, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ, जिसने किसी ने पोस्ट किया होगा उससे पूछें प्याज भाई, आई एम हेयर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसने लिंक शेयर किया, वो हमारे कोई कोऑर्डिनेटर ने किया होगा, आप उनसे प्लीज पता करें। तो जी दायरा लेक्चर का लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, प्लीज ख्याल रखिए जी अपना, मुलाकात होती है अगली क्लास में इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।